नमस्कार दोस्तों, रिपोर्ट्स नियम आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इंसान की जिंदगी का एक कड़वा सच बताने जा रहे हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार शादी जरूर करनी होती है। शादी एक मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी की वजह से आपका जीवन नरक जैसा और असंतुष्ट हो। शादी के बंधन में बंधने से पहले ये जरूरी है कि आप मानसिक तौर पर तैयार रहें। आपको ये समझना होगा कि प्यार और शादी का रिश्ता निभाना आसान नहीं होता और इसके साथ कई जिम्मेदारियां जुड़ी हुई होती है। आपको खुद को शादी के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने से पहले इस बात पर भी काम करना होगा कि आपने सही पार्टनर चुना है या नहीं। आप ऐसी महिला का चुनाव करें जिसके संग आपने कुछ समय व्यतीत किया हो, जिसको आप कुछ समय से जानते हो। महिलाओं से मिले बिना ही मना कर देना गलत बात है, लेकिन ऐसे कुछ संकेत हैं जिन्हें देखने के बाद तो आपको हाँ नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम ऐसी महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं जिनकी आदतें शादी के लिहाज से तो ठीक नहीं, और अपने जीवन संगनी बनाने से पहले आपको सोचना चाहिए। इस तरह की महिलाएं हमेशा दुखी रहती हैं और हर चीज को लेकर नकारात्मक बातें करती है। ये आपके जीवन में भी लगातार नकारात्मकता भरती रहती है। ये एक काले बादल की तरह रहेंगी और आपकी जिंदगी में कभी रोशनी ही नहीं आने देगी। इस तरह की लड़की को कभी आपकी चिंता ही नहीं होगी। ये बहुत मतलबी होती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो अपना मतलब होने पर ही दिलचस्पी लेगी। ये आपसे बहुत महंगे महंगे तोहफे की मांग करेंगी। अगर कोई लड़की आपसे महंगे महंगे तोहफों की मांग करेगी तो इस तरह की लड़कियों को आपके प्यार का एहसास तब तक नहीं होता जब तक इन्हें महंगे और बड़े तोहफों के रूप में ना मिले। आप उन्हें खुश करने के चक्कर में अपनी जेब तो खाली कर लेंगे, लेकिन सावधान रहें, वो सिर्फ आपकी बनकर नहीं रह सकती। अगर इसे कोई दूसरा बेहतर व्यक्ति मिलता है तो वो आपको छोड़कर आगे बढ़ने में नहीं कतराएंगी। जिसे फ्लर्ट करना पसंद है और जो अलग तरह के लोगों के साथ फ्लर्ट करना पसंद करती है, ऐसी पार्टनर के साथ रहकर आपको कभी भी सुरक्षा की भावना महसूस नहीं हो पाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप दोनों को बड़ा होना होगा और जिम्मेदारी समझनी होगी। क्लब और पार्टीज को आपने बाय बाय कहना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लड़की अपनी पार्टी और क्लब लाइफ से समझौता नहीं कर सकती तो उसका मतलब है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं हुई है। वो आपसे दुनिया जहान की डिमांड करेगी और आप अगर उसकी मांग पूरी कर भी देते हैं तब भी वो संतुष्ट नहीं होगी। इस तरह की लड़कियां ये सोचती है कि इन्हें जो चीज चाहिए उसके लिए इन्हें खुद ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें लगता है कि हर चीज इनके लिए इनके सामने परोसी जाए। इस तरह की लड़कियां आपको कभी तरक्की नहीं करने देगी। इन्हें आपकी कामयाबी से जलन होगी। ये चाहेंगी कि हमेशा लोगों के आकर्षण में सिर्फ यही बनी रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट इंडिया की खबर।